चारों ओर से क्या रहेगा, बर्फ रहेगा। अब बीच से क्या निकलती है, ट्रेन। लगता है जैसे कोई फिल्मी दुनिया में घूम रहे हैं। तो लगता है कि पृथ्वी कितनी बेहतरीन, पहाड़ से गुजरेगा तो इतना खतरनाक सीन लगता है। इसे यूनेस्को में शामिल कर दिया गया, विश्व धरोहर में। जो जंगलों में जहाँ पे जानवर ज्यादा रहते वही ट्रेन में रोक देगा। कालका और शिमला के बीच में ट्रेन जाती है जिसका नाम है कालका शिमला रेल मार्ग। कालका शिमला रेल मार्ग, क्या नाम है रेल मार्ग का, कालका शिमला रेल मार्ग। ये पहाड़ों को होकर गुजरती है, ये रेल किससे होकर गुजरती है, पहाड़। इसलिए टूरिस्ट लोग कहाँ घूमने जाते हैं, कालका शिमला रेल मार्ग। कहाँ जाएंगे, कालका शिमला रेल मार्ग। ये बहुत ही टूरिस्ट प्लेस रहता है ये। देखिए चारों ओर से क्या रहेगा, बर्फ रहेगा। अब बीच से क्या निकलती है, ट्रेन। लगता है जैसे कोई फिल्मी दुनिया में घूम रहे हैं। देखिए हम लोग को फुर्सत मिला है इतना जाके ट्रेन से घूमने का, ऐसे देखिए कितना बेहतरीन है यहाँ पर। समझ आ गया कि नहीं आ गया, तो अभी मन से पढ़ाई लिखाई कीजिए, अच्छे से सेटल हो जाएगा, पूरा फैमिली के साथ जाइए, माता पिता को भी घुमाने ले जाइए। बाप के पैसा से घूमने में मजा नहीं है, बाप का पैसा उड़ाने में मजा नहीं। मजा कब है, जब पैसा आपका हो। अब पिताजी उड़ाए, अब पिताजी पैसा को चुड़ाएंगे, गांव के 10 आदमी को बुला के चाय पिला दे, पैसा देते हो हम, बेटा कमाई तो अब हमारा। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, कोई कमी नहीं होगा। दुनिया बहुत बड़ी है, अभी आपको बस गांधी मैदान इको पार्क पता है। दिख रहा है ये कालका शिमला रेल मार्ग, स्वर्ग है ससुराई यहाँ पर। और ये तो केवल बर्फ वाला इलाका है। जो कालका से शिमला रेल मार्ग में बैठ जाते हैं उनको लगता है कि पृथ्वी कितनी बेहतरीन है। पहाड़ों से जब अभी तो ये बर्फ से गुजरी, कुछ दूर आगे जाके किससे गुजरती है, पहाड़ों से। पहाड़ से गुजरेगा तो इतना खतरनाक सीन लगता है। अब यहाँ से जब झांकिएगा तो पूरा नीचे का नजारा अलग ही रहता है वहाँ पर। कालका शिमला रेल मार्ग पर्यटन के लिए बहुत ही फेमस है, कालका शिमला रेल मार्ग। चले ये इतना चला गया, इसमें ठोर था इमेज इसमें। तो कालका शिमला रेल मार्ग इतना सुंदर है कि इसे यूनेस्को में शामिल कर दिया, विश्व धरोहर में। बस टिकट कराइए कालका से, कहाँ जाइए, शिमला। वो दोनों ओर से आपको ना पहाड़ वगैरह मिलेंगे सब इस टाइप का। और जब पहाड़ जंगल में जाएगा ना तो अगल बगल में इधर यहाँ पे आपको नीचे में अलग अलग बड़े बड़े जानवर मिलेंगे, बाघ, शेर, हाथी, सब चीज ओरिजिनली एकदम। आप तब आपको लगेगा कि नहीं प्रकृति कितनी सुंदर बनाई गई। यहाँ पर आप जाएंगे हिम तेंदुआ मिलेगा, बर्फ वाले बाघ अलग होते हैं, बर्फ का शेर अलग होता है, बर्फ का अलग रहेंगे सर। ट्रेन को कहीं कहीं हॉल्ट पर रोक देता है वहाँ पे। ये ट्रेन सफर के लिए नहीं, टूरिस्ट के लिए ही चलाई जाती है। जो जंगलों में जहाँ पे जानवर ज्यादा रहते हैं वहीं ट्रेन में रोक देगा। और ट्रेन को उसी हिसाब से डिजाइन भी किया गया। जंगला देखते हैं कितना बड़ा बड़ा है, हाउ वाला नहीं, अपने जनरल डिब्बा वाला इतनी चुकी जंगल ऐसे झाकों में एक आदमी से ज्यादा झांकी नहीं पाता, ऊपर से साइकिल टांग देता है। साइकिलिया का पैडिलवा टांग देगा, चल चलिए। ये किस लिए बनाया गया, पर्यटन के लिए। कालका शिमला रेल मार्ग, इससे ज्यादा सुंदर कहीं रेल मिलेगा। और ये ट्रेन सामान वामान ले नहीं जाने के लिए होती है, इसकी ट्रेन की चौड़ाई भी क्या होती है, कम होती है। क्योंकि बहुत चौड़ा ट्रेन रहेगी तो काट के उतना पहाड़ काट के बनाना भी बड़ा मुश्किल है। कभी जाएंगे तो झरना गिरेगा, ऊपर से झरना गिर रहा है। अब जब पहाड़ से झरना गिरता है तो पहाड़ से सट के निकलेंगे तो नहीं भीगेंगे। जैसे कैसे किसी छत पे से पानी गिरता है तो छतवा से सट के निकल जाइए, इसे भीगेंगे। उसी तरह पहाड़ से जब झरना निकलता है तो ट्रेनवा पहाड़वा से सट के निकलती है, वहाँ रोक देता है। यहाँ पे देखते रहिए, यहाँ झरना ऊपर से नीचे आ रहा है। कहीं पहाड़ के बीचों बीच से निकल जाएगी सुरंग से, कहीं सूखा पहाड़, कहीं पूरा हरियाली वाला बर्फ वाला। वो एक लंबा सा सफर रहता है कालका शिमला रेल मार्ग का। उस दौरान आप पूरी प्रकृति को देख सकते। इसे किसमें रखा गया है, सिम। और वो तेज लेके नहीं जाता है, वो आपको सफर कराने थोड़े ले गया, वो किस लिए ले गया, घुमाने ले गया।